हेलो दोस्तों, मैं अरविंद वोरा स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल साइन क्लासेस में। आज के वीडियो हम डिस्कस करेंगे फायर के बारे में। किसके बारे में? फायर के बारे में। फायर होता क्या है एंड इसे कैसे कंट्रोल करते हैं, मतलब फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं एंड फायर लगता क्यों है, इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, फायर हो का अगर डेफिनेशन बताएं आपको, मतलब फायर को डिफाइन करें, तो फायर क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें से हीट, लाइट एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि किसी भी प्रॉपर्टीज को जलाती है, यानी कि नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, अब बात करें फायर के बारे में और चीज़ें। जैसे आप देखिएगा, गाँव में जैसे कहीं फायर लगता था, मतलब आग लगती है, तो आप क्या करते हैं? जनरली उस पर वाटर डाल देते हैं, पानी डालते हैं और आग बुझ जाता है। और पानी क्या होता है कि इजिली मिल भी जाता है और सस्ता होता है। ठीक है, उससे आग आपका बुझ भी जाता है। लेकिन अगर सपोज कीजिए कहीं पे अगर आपका ऑयल, मतलब पेट्रोलियम ऑयल हो गया या आप कुकिंग ऑयल समझिए, ठीक है, अगर उसमें फायर लग जाए तो आप क्या करेंगे? उसमें अगर आप पानी डालेंगे यानी कि वाटर डालेंगे, तो होगा क्या वहाँ पे कि फायर और तेज़ बढ़ेगा। मतलब वहाँ पे ये मत सोचिए कि पानी डालेंगे तो फायर बंद हो जाएगा, वहाँ फायर बंद नहीं होगा, और तेज़ लगेगा, मतलब और भभक के जलने लगेगा वो चीज़ें। ठीक है, तो क्या किया गया, जब आप इंजीनियरिंग लेवल पे पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग में आते हैं, या बात करें इंडस्ट्रीज में जब आते हैं, इंडस्ट्री लेवल पे चीज़ों को पढ़ते हैं, तो उसमें क्या किया गया कि फायर को अलग अलग क्लास में डिवाइड कर दिया गया। मतलब फायर को क्लासिफाई कर दिया गया कि कौन कौन से टाइप के फायर के लिए कौन सा एग्जीक्यूशन यूज करेंगे जिससे वो आसानी से बुझ सकता है। ठीक है, आसानी से कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, तो आज हम वही पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। तो नेशनल लेवल पे फायर को पांच टाइप में डिवाइड किया गया है, पांच क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से क्लास में? देखिएगा, इसे फाइव क्लास में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे लिखे तो देखिए, क्लास लिख दे रहे हैं, क्लास। अब क्लास में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। ये नेशनल लेवल पे आपको पांच टाइप के फायर मिलेंगे। ठीक है, अब क्लास ए क्या होगा देखिएगा। क्लास ए क्या होता है? क्लास ए जब किसी सॉलिड मटेरियल में, सॉलिड फ्लेमेबल मटेरियल, यहाँ पे देखिएगा जितने भी मटेरियल्स की बात करेंगे सभी फ्लेमेबल होंगे, क्योंकि अगर वो फ्लेमेबल नहीं है तो उनमें आग लगेगी ही नहीं, तो फ्लेमेबल तो होंगे ही। ठीक है, तो जैसे सॉलिड मटेरियल में जैसे वुड हो गया आपका, मतलब लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक, रबड़, ठीक है, प्लास्टिक ईटीसी कर दे रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप समझ जाइएगा, मतलब इन सब चीज़ों में, घरेलू चीज़ों जो यूज होती है, इन सब में अगर फायर हो रहा है, इन सब में अगर फायर पकड़ रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप जनरली वाटर का यूज करते हैं। जनरली क्या करते हैं? वाटर का यूज करते हैं, वाटर। ठीक है, ये इसका क्या है? सूटेबल मटेरियल है। ठीक है, सूटेबल एक्सटिंग्यूशर, यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं, हम देखिएगा ऊपर लिख दे रहे हैं, सूटेबल एक्सटिंग्यूशर, एक्सटिंग्यूशर आई रहेगा। ठीक है, एक्सटिंग्यूशर। ठीक है, सुटेबल एक्सटिंग्यूशर में क्या होगा? वाटर यूज करेंगे। किस में? क्लास ए के फायर में। क्लास ए फायर में क्या क्या आएंगे? जैसे सॉलिड मेटल, जैसे वुड, पेपर, प्लास्टिक, कपड़ा, इन सब चीजों में अगर फायर पकड़ रहा है, तो उनके लिए हम वाटर डालेंगे तो फायर बुझ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास बी के लिए। क्लास बी में क्या होता है? अगर क्लास बी टाइप में फायर लगे तो पहले देखिए क्लास बी में आता क्या है। तो क्लास बी में आते हैं लिक्विड्स, जो फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं। अब लिक्विड्स में जैसे आपका पेट्रोलियम ऑयल होते हैं, यानी कि पेट्रोल, डीजल, ठीक, कैरोसिन, सॉल्वेंट, यानी कि जो केमिकल इंडस्ट्रीज में जो सॉल्वेंट यूज होते हैं, जैसे मेथनॉल ले लीजिए, डीएमएफ ले लीजिए, ये सब जो फ्लेमेबल मटेरियल्स होते हैं, उनमें अगर फायर पकड़ ले, या पेट्रोल, डीजल, इन सब चीज़ों में अगर फायर पकड़ ले, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? उसके लिए यूज करते हैं सूटेबल एक्सटिंग्यूशर जो होता है, वो होता है फोम। ठीक है, इस कंडीशन में आप वाटर नहीं यूज कर सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों में आप वाटर यूज करेंगे तो देखिएगा क्या होता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सब चीज़ें क्या रहती हैं, इनकी डेंसिटी लो होती है, वाटर की अपेक्षा इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। अगर आप इस पर पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी नीचे चला जाएगा और जो ये जो पेट्रोल, डीजल या जो भी सॉल्वेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ऊपर आ जाएंगे। जैसे मेथनॉल मान लीजिए, तो मेथनॉल की भी डेंसिटी वाटर से कम होती है। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे कि ऊपर आ जाएंगे वाटर के, और आग आपका बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो इससे आपका आग बुझेगा नहीं, तो उसके लिए आप फोम यूज करते हैं। अभी इस मैटर को हम समझाएंगे आगे वीडियो में बताएंगे कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे फोम वर्क करता है जिससे आग बुझ जाती है, अभी आपको बताएंगे। अभी यहाँ पे ये देखिए कि कौन से क्लास के लिए कौन सा सूटेबल एक्सटिंग्यूशर यूज करेंगे जिससे फायर हमारा बुझ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास सी के बारे में। क्लास सी, अब क्लास सी में देखिएगा क्या होते हैं, गैसेस होती हैं, गैसेस,
गैसेस होती हैं, ठीक है, गैसेस, जो फ्लेमेबल गैसेस होती हैं वो होती हैं क्लास सी में, ठीक है। अब ये जो फ्लेमेबल गैसेस होती हैं उसमें देखिए क्या क्या आता है, इसमें देखिए क्या क्या आता है, इसमें जैसे मान लीजिए एलपीजी गैसें जो जिसपे खाना बनाया जाता है, एलपीजी, एलपीजी, सीएनजी, सीएनजी, एलएनजी, एलएनजी एंड ब्यूटेन, प्रोपेन, एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन, ईटीसी कर दे रहे हैं, ठीक है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर इन सब टाइप में अगर फायर पकड़ रहा है इन सब टाइप में, तो इसके लिए यूज क्या करते हैं, इसके लिए आप यूज करते हैं सीओ टू, इसके लिए यूज करते हैं सीओ टू, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास डी के बारे में, क्लास डी, क्लास डी में क्या आते हैं, क्लास डी में जो मेटल्स होते हैं, जो फ्लेमेबल मेटल्स होते हैं, मेटल्स, ठीक है, मेटल्स। अब मेटल्स में जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम हो गया, एम जी लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया और जिंक हो गया, ठीक है, जिंक, पोटेशियम, पोटेशियम, ईटीसी, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें हैं जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स जो फ्लेमेबल मेटल्स होते हैं, अगर इनमें फायर पकड़ रहा है तो उनके लिए क्या यूज करेंगे, सूटेबल एक्सटिंग्यूशर क्या होगा, एक्सटिंग्यूशर इसके लिए होता है डीसीपी, डीसीपी, डीसीपी का फुल फॉर्म होता है ड्राई केमिकल पाउडर, ठीक है, ड्राई केमिकल पाउडर, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास ई के बारे में, क्लास ई के बारे में, क्लास ई जो होता है ये इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रिकली फायर जो होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक पैनल में, इसे हम इलेक्ट्रिकल लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल फायर, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिकल फायर होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पैनल में कहीं फायर पकड़ ले, इलेक्ट्रिक वायर में पकड़ ले, उन सब चीज़ों में अगर फायर पकड़ रहा है तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, करते हैं, इसके लिए भी CO2 यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास, अब देखिए ये तो पांच टाइप जो होते हैं आपके क्लास में, जैसे ए बी सी डी ई, ये नेशनल लेवल पे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जब आप पढ़ेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे एक टाइप और जुड़ जाता है, वो क्या है, क्लास एफ, क्लास एफ या क्लास के, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज के लिए यूज होते हैं, ये दोनों होते हैं किचन फायर, किचन फायर, किचन फायर के, किचन फायर के लिए दोनों यूज होते हैं, किचन फायर के लिए एफ और के दोनों यूज होता है। ये क्या है, एफ जो होता है, जैसे यूरोपियन या ऑस्ट्रेलियन सिस्टम में क्लास एफ लिखा जाता है एंड जो अमेरिकन सिस्टम है उसमें क्लास के लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको आप, ये इंटरनेशनल लेवल पे सिक्स टाइप के क्लास होते हैं, ठीक है, इनमें किचन फायर होता है। किचन फायर में जैसे मान लीजिए जो वेजिटेबल्स ऑयल होती हैं, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल ऑयल, एनिमल ऑयल शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, एंड फैट्स जो होते हैं, फैट्स, ठीक है, अगर इन सब चीज़ों में फायर पकड़ रहा है तो इनके लिए क्या यूज करते हैं, इनके लिए क्या यूज होता है, इनके लिए होता है केमिकल, वेट केमिकल होता है, इनके लिए वेट केमिकल होता है, वेट केमिकल, ये काफ़ी महंगा होता है, ठीक है, काफ़ी महंगा होता है, ठीक है। तो ये सिक्स टाइप के फायर के क्लास हैं, ठीक है। अब इनके लिए कौन कौन से एक्सटिंग्यूशर हैं सुटेबल, वो है, मतलब ये स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड, अगर इस क्लास ए में लग रहा है तो स्टैंडर्ड आप वाटर मार दीजिए, इजीली मिल भी जाएगा, क्लास बी में हो रहा है तो फोम मार दीजिए, ठीक है। सपोज कीजिए आपको ये सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं, मान लीजिए हर जगह पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो आप हर एक टाइप में क्या यूज कर सकते हैं, किसी भी टाइप का अगर आपका फायर हो, किसी भी टाइप का, उसमें आप डीसीपी यूज कर सकते हैं, डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर, ठीक है। आप किसी भी क्लास के फायर में डीसीपी का यूज करेंगे तो फायर आपका बंद हो जाएगा, बस क्या होगा कि जो मटेरियल होगा आपका वो खराब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल फायर हुआ, इलेक्ट्रिकल फायर में सीओ टू मारना है लेकिन आपको सीओ टू नहीं मिला, आप डीसीपी मारेंगे क्या होगा कि आग तो बुझ जाएगी लेकिन जो इलेक्ट्रिक पैनल होंगे वो क्या होंगे, खराब हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और होता है इलेक्ट्रिक फायर में, अगर इलेक्ट्रिक फायर में एक चीज़ याद रखिएगा, 1000 वोल्टेज से ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है पावर का, मतलब 1000 वोल्टेज से ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है उस सिस्टम में और आप सिस्टम को कट नहीं किए हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप डीसीपी नहीं यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर वहाँ पे डीसीपी यूज करेंगे तो फायर और तेज बढ़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन एंड सुटेबल एक्सटिंग्यूशर की क्या क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि फायर क्यों लगता है, मतलब फायर कैसे लगता है और उसे कंट्रोल करने के मेथड के बारे में, ठीक है, कंट्रोलिंग मेथड ऑफ फायर एंड फायर क्यों लगता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। तो देखिएगा, अब बात करेंगे कंट्रोलिंग मेथड ऑफ फायर, मतलब फायर को कंट्रोल करने के कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए, फायर को कंट्रोल करने के लिए थ्री मेथड्स होते हैं, उन्हें हम आपको अभी हम बताएंगे। पहले, उससे पहले आपको समझना होगा फायर ट्रायंगल को, ठीक है। फायर ट्रायंगल, फायर ट्रायंगल क्या होता है वो आप समझ लीजिए पहले, फायर ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। फायर ट्रायंगल,
ठीक। अभी फायर ट्रायंगल क्या होता है, फायर ट्रायंगल में देखिए क्या होता है, अगर कहीं पे भी आग लग रही है मतलब कहीं पे भी अगर फायर होगा तो उसके लिए तीन चीजें होनी आवश्यक है। क्या क्या चीजें? एक होती है जैसे फ्यूल, फ्यूल होना आवश्यक है, एंड ऑक्सीजन एंड हीट। ठीक है, फायर ट्रायंगल बताता है हमें कि अगर ये तीन चीजें अवेलेबल हैं तभी कहीं पे फायर होगा, मतलब ये तीनों चीजें मिलेंगी तभी फायर होगा। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक भी चीज गायब है तो वहां पे फायर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई ऑयल है, सपोज कर लीजिए कोई ऑयल, ऑयल में मान लीजिए पेट्रोल ले लेते हैं, पेट्रोल। ठीक है, अब ये पेट्रोल है, इसे आप कहीं खुले में रख दीजिए, ठीक है, इसे आप खोल के रख दीजिए किसी बोतल में किसी बर्तन में, तो आप खोल के रखेंगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन अवेलेबल है, ऑक्सीजन है, फ्यूल आपका पेट्रोल है, लेकिन उसे हीट नहीं मिल रहा तो आग नहीं लग रही है। अगर उसे थोड़ी सी भी आप चिंगारी देंगे तुरंत आग पकड़ लेगा, मतलब ये तीनों चीजें मिल गई, मतलब ट्रायंगल बन गया, तब आपका फायर पकड़ा। ठीक है, मान लीजिए इस पेट्रोल को, इस फ्यूल को ऐसे जगह पे रख दें जहां पे ऑक्सीजन ही ना हो, जैसे एटमॉस्फेयर से बाहर लेके जाएं, एटमॉस्फेयर से बाहर ले जाके आप पेट्रोल को आग जलाते रहिए, पहले तो आग ही नहीं जलेगी, मतलब इग्निशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपका पेट्रोल में आग लगेगी ही नहीं। जैसे मान लीजिए कोई आप दीपक ले लीजिए, जैसे दीपक होता है, दीपक जलता है, ठीक है, मतलब कोई दिया जल रहा है। ठीक है, अब ये दिया जल रहा है तो आप क्या करें, इस दीपक के ऊपर कोई चीज़ ऐसा चीज़ रख दें जैसे बकेट वगैरह रख दें, ठीक है, कोई बर्तन से उसे ढक दीजिए, जब आप उसे ढकेंगे तो देखेंगे वो आपका दीपक बुझ जाएगा। ठीक है, क्यों बुझ जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, मतलब वहाँ पे हीट और फ्यूल तो थे लेकिन ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, तो क्या हुआ, ये फायर बंद हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी आवश्यक है तभी फायर लगेगा। ठीक है, इसी के बेस पे आपको फायर को कंट्रोल भी किया जाता है। कैसे किया जाता है, कौन कौन से मेथड देखिए, अब पहला दूसरा एंड तीसरा, तीन मेथड होते हैं। ठीक है, अब तीनों मेथड में क्या होता है, फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं कूलिंग के बारे में, कूलिंग, कूलिंग। अब कूलिंग में क्या किया जाता है, हीट को अवॉइड किया जाता है, हीट को अवॉइड किया जाता है या रिमूव किया जाता है, रिमूव हीट, हीट को रिमूव कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए स्प्रे ऑफ वाटर ऑन ए फायर, मतलब किसी फायर पे वाटर का स्प्रे कीजिए आप, ठीक है, तो वहां से हीट आपका रिमूव होगा। ठीक है, तो मतलब कूलिंग में क्या करते हैं, हीट को रिमूव करते हैं। जब आप हीट को रिमूव कर देंगे तो ऑक्सीजन और फ्यूल रहकर क्या करेगा, अगर हीट ही नहीं है तो वहां पे फायर नहीं होगा। ठीक है, फायर कंट्रोल आपका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक, कूलिंग में ये करते हैं आप। दूसरा नंबर पे आता है हमारा स्मूदरिंग, स्मूदरिंग, स्मूदरिंग में देखिएगा क्या होता है, स्मूदरिंग में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ही गायब कर देते हैं, स्मूदरिंग को, स्मूदरिंग में ऑक्सीजन को गायब करते हैं, क्या करते हैं, रिमूव ऑक्सीजन O2। ठीक है, या ऑक्सीजन का जो सोर्स होगा उसको हम कट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, जिससे फायर नहीं होता। अब इसको इसमें कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे फायर हुआ, सपोज कर लीजिए कोई टैंक है, ठीक है, ये टैंक है एक। अब इस टैंक में क्या है कि इसमें कोई फ्यूल है, जैसे मान लीजिए मेथनॉल है, इस फ्यूल में क्या है, मेथनॉल है। अब इसमें फायर पकड़ लिया, आपका फायर इसमें पकड़ लिया, अब इसको आपको कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे, पानी मारेंगे यदि, तो देखिएगा पानी अगर मारेंगे तो क्या होगा कि ये पानी की डेंसिटी आपका मेथनॉल से ज़्यादा होती है तो पानी क्या होगा, नीचे आ जाएगा, मेथनॉल क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। जब ऊपर आएगा तो फायर रुकेगा, नहीं रुकेगा, क्योंकि फायर तो मेथनॉल, अब उसको फ्यूल मिल ही रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, फोम मारते हैं इसमें, फोम, क्या मारते हैं, फोम, फोम का यूज करते हैं। अभी फोम क्या होता है, बहुत हल्का होता है, ये सिलेंडर में रहता है, ये बहुत हल्का होता है। इसको क्या करते हैं, अब मान लीजिए इस टैंक में एक जगह पे आप मारिए तो क्या करेगा, ऐसे 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 ये इसके ऊपर एक परत बना देगा, एक लेयर बना देगा। अब ये लेयर क्या करेगा, ऑक्सीजन को अंदर जाने ही नहीं देगा, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन यहाँ पे जा ही नहीं रहा, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे कट हो गया, ऑक्सीजन का सोर्स ही कट हो गया, तो क्या हुआ, हीट और फ्यूल लेके क्या करेंगे, ऑक्सीजन नहीं है तो आपका फायर नहीं होगा, मतलब ये ट्रायंगल पूरा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे फायर बंद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए किसी गैस में आग लगती है तो वहाँ पे क्या करते हैं, CO2 मारते हैं, CO2। अब ये CO2 क्या करता है, ऑक्सीजन के लेवल को डाउन कर देता है, तो वहाँ पे फायर आपका कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे स्मूदरिंग में मतलब किसी का गला घोटना, मान लीजिए किसी का आप नाक बंद कर दीजिए, अब वो ऑक्सीजन ही ना ले पाए, मतलब या तो उसका गला घोट दीजिए, तो गला दबा दीजिए, वो ऑक्सीजन ही नहीं ले पाएगा, वो मर जाएगा। पूरे वर्ल्ड में देखिए, पूरे पृथ्वी पर अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कुछ नहीं है, आप समझिए। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ों को बचाइए, पेड़ों को काटने से रोकिए, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ऑक्सीजन ही रहेगा तो कुछ नहीं होगा आपका, ना कहीं फायर होगा, ना आप जी पाएंगे, ना ही कोई पेड़ पौधे बढ़ेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा बिना ऑक्सीजन के। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात करते हैं, यहाँ पे अब फायर ट्रायंगल की बात हो रही है, तो ये देखिए, ठीक है, तो आप स्मूदरिंग समझ गए होंगे। स्मूदरिंग में क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को रिमूव कर दें, ऑक्सीजन के सोर्स को कट ऑफ करते हैं। ठीक, अब थर्ड नंबर पे आपका आता है एस्टरवेशन, एस्टरवेशन,
अब स्टर्वेशन में क्या करते हैं, देखिएगा स्टर्वेशन में क्या करते हैं, स्टर्वेशन में फ्यूल को ही रिमूव कर देते हैं, फ्यूल को ही रिमूव करते हैं, या तो बोले तो आइसोलेट कर देते हैं फ्यूल को, फ्यूल आइसोलेट लिख दे रहे हैं, आइसोलेट आइसोलेट फ्यूल, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे फायर पकड़ा है, वहाँ पे बहुत सारे फ्यूल हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे ड्रम हैं, ऐसे बहुत सारे ड्रम हैं, ठीक है, ऐसे ड्रम हैं, अब किसी एक ड्रम में फायर पकड़ लिया, ठीक है, या ऐसे मान लीजिए कोई लकड़ी है, कोई मटेरियल है, फ्लेमेबल मटेरियल है, सपोज या लकड़ी आप समझ लीजिए वुड है, अब एक जगह पे आपका फायर पकड़ लिया, ठीक है, एक चीज़ में, तो आप क्या करेंगे, अगर इन सब चीज़ों को हटाएंगे नहीं तो ये जलेगा, फिर ये जलेगा, फिर ये जलेगा, मतलब सब में फायर होगा। अगर आप किसी तरह इन तीनों को, मतलब और भी जो मटेरियल हैं जिसमें आग लगी उसे छोड़ के, और जो वहाँ पे फ्लेमेबल मटेरियल है उसको आप रिमूव कर दें, मतलब वहाँ से उसे आप हटा दें, आइसोलेट कर दें, ठीक है, मतलब उस फ्यूल को ही रिमूव कर दें, मतलब अगर फ्यूल ही गायब हो जाए तो वो जलेगा किस में, आग जलेगा किस में, क्या होगा, जिस फ्यूल में लगा था, मतलब जिस मटेरियल में पहले लगा वो मटेरियल तो जलेगा, कुछ देर जलने के बाद आग बुझ जाएगी, क्योंकि उसे फ्यूल मिलना बंद हो जाएगा, और जब फ्यूल मिलना बंद हो गया तो आग आपका कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो स्मूदरिंग में यही करते हैं, फ्यूल को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, या तो फ्यूल को मतलब बोले तो आइसोलेट करते हैं, तो अगर फ्यूल रिमूव तो आपका फायर कंट्रोल, ठीक है। तो ये फायर कंट्रोलिंग के 3 मेथड्स होते हैं, मेन 3 मेथड्स होते हैं जिससे आप फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है।